काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार का रीवा माँ लोगन के द्वारा सामूहिक योग के स्वस्थ रहे के संदेश दिया। अपना प्रवचक बता दी कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रीवा में मौजूद रहे हैं। तब इंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमकर इस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी खबर के, जहां अपना प्रवचक बता दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार का रीवा में लोगन के द्वारा सामूहिक योग कई के स्वास्थ्य रहे के संदेश देगा। जिला स्तरीय आयोजन शासकीय मार्तन क्रमांक 3 स्कूल में आयोजित किएगा, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के द्वारा सुबह 6 बजे जिला स्तरीय योगा कार्यक्रम के शुरुआत किए गए। सुबह 6:10 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के योगा कार्यक्रम के सीधा प्रसारण दिखावेगा। कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से 7:45 तक विभिन्न योगा अभ्यास कराएंगे, जहां योगा और उनसे होए वाले लाभ के बारे में लोगों का जानकारी दिए गए। यहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में योगा के महत्व का सबके सामने रखा गया, जिसके बाद आज पूरा विश्व योग दिवस मनाए रहा है। योग की परंपरा महर्षि पतंजलि के द्वारा शुरू की गए, वर्तमान समय में जेखा बाबा रामदेव के द्वारा आगे बढ़ा बगा। प्रत्येक व्यक्ति का अपने व्यस्तता से जो दिन है वहाँ 15 से 20 मिनट निकाल के योग जरूर करें चाहिए, और उनके द्वारा अपील की गई कि योग का अपने जीवन के हिस्सा जरूर बनावें। तो निश्चित तौर पर योग करें, योग रहे निरोग, और निश्चित तौर पर व्यायाम शरीर के एक बेहद बड़ी जरूरत है, और वह व्यायाम से अपना के शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त और चुस्त हो सकता है। तो निश्चित तौर पर रखिए अपने अपने परिवार के बहुत ख्याल, और सुनी उप मुख्यमंत्री के पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। पढ़ूंगा, सभी को इसको दोहराना है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ शांतिप्रिय आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं अपने प्रत्येक कार्य से चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित रहकर हर व्यक्ति से एकाग्र होने का प्रयत्न सदैव करता रहूँगा। योग दिवस ये 10वां वर्ष था। आप सबको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने योग के महत्व को सारी दुनिया को बताया था, समझाया था। सारी दुनिया ने इसके महत्व को समझा। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, इस बात को सारी दुनिया ने समझा, और एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कि 21 जून को सारी दुनिया योग मनाएगी, सारी दुनिया में संदेश देगी कि हमें अपने जीवन के 24 घंटे में से 10-15 मिनट जरूर निकालना चाहिए सुबह, और योग करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, अस्पताल के चक्कर लगाने से हम बच सकें। और इसलिए लगातार ये 10 वर्ष आज पूरा हो रहा है, और सारे देश में, सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग योग मना रहे हैं। ऐसे ऐसे देशों में, यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह लोग हमारी इस प्राचीन विधा को, जो महर्षि पतंजलि जी ने हमको सौंपा था, बाबा रामदेव जी ने इसको देश में फैलाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सारी दुनिया में फैलाया, आज उसका लाभ लोग ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि सभी बच्चों से लेके और बड़ों तक सारे लोग योग को अपनाएं, योग करने का अभ्यास, नियमित अभ्यास शुरू करें, जिससे कि स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व का निर्माण करने में हम लोग सफल हो सकें। भैया, आज अन्न संवर्धन श्री अन्न योजना, हम सब जानते हैं कि
हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो मोटा अनाज वो बहुत लाभकारी होता है, लेकिन ये धीरे धीरे पीछे चला गया था और इसका उपयोग लोगों ने करना कम कर दिया था, जबकि हमारे जो प्राचीन भारत के जो लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो इसी अनाज का उपयोग करते थे और काफ़ी स्वस्थ रहते थे, काफ़ी मजबूत रहते थे। इस परंपरा को फिर से शुरुआत हुई है, इसको बल मिला है और कोदो कुटकी से लेके ज्वार बाजरा से लेके इस प्रकार के रोटी और चावल के बना के और खाने से हमारे पाचन तंत्र ठीक रहता है, हमारा शरीर ठीक रहता है। इसके बढ़ावे के लिए जो रीवा ज़िले में 18 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बीज का वितरण करते हैं और जब उसका उत्पादन होता है तो किसानों से उसको खरीदते भी हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, नासिक में पहुँचा के उसको विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ज़्यादा किसान, क्योंकि अब रीवा ज़िला तेज़ी के साथ सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ रहा है, किसान संपन्न हो रहे हैं, तो इस प्रकार के अनाजों का उत्पादन करेंगे तो लोगों को आसानी से मोटा अनाज मिलेगा, श्री अन्न प्राप्त होगा और उसका उपयोग बढ़ेगा, और जब उसका उपयोग बढ़ेगा तो लोगों के शरीर के लिए लाभदायक होगा। अब योगी जी से और उनसे मुलाकात भी की है, क्या आश्वासन मिला है? पिछले दिनों मैंने पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ करीब 1.5-2 घंटे की बैठक की थी, इसमें मंथन किया था, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरेक्स का उपयोग बहुत ही खतरनाक होता है, मनुष्य का शरीर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बच्चों में इसका प्रचलन बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है, समय समय पर ये आवाज़ सभी के द्वारा उठाई जाती रही है, तो इसको समाप्त करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि कोई कसर न छोड़ें, सीमा से कोई भी गोरेक्स यदि आता है तो उसको रोकें। तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यूपी में जो अपना NDPS एक्ट है उसका कोरेक्स जैसी दवाई में उपयोग नहीं होता है, तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात करके उनको उस बात को बताया और हमने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश NDPS एक्ट के तहत कोरेक्स अवैध रूप से रखने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी 6-6 महीने 1-1 साल जमानत नहीं हो पाती हाई कोर्ट से भी, और सज़ा भी 10 वर्ष से ज़्यादा होती है, तो NDPS एक्ट में यदि अवैध रूप से कोरेक्स जैसी नशीली दवाओं को रखने का यदि कोई पकड़ में आता है तो उस पर उत्तर प्रदेश में भी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से अब विंध्य के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों से आप निश्चिंत रहें और कोई भी उस प्रकार के अवैध जखीरा आपके जिलों में प्रवेश नहीं करेगा।